मैं डॉक्टर यशपाल शर्मा वानिकी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे एक औषधीय पौधे की व्यावसायिक खेती के बारे में। आजकल किसान भाइयों को सबसे बड़ी समस्या है जंगली जानवरों की। बहुत से जंगली जानवर किसानों की फसलों को खराब कर देते हैं और बहुत से एरिया में हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों में किसानों ने फसलें उगानी बंद कर दी है। तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि हम कुछ एक औषधीय पौधे जिनको कि जंगली जानवर पसंद नहीं करते हैं, उनको खाते नहीं हैं, नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खेती करें और अपनी आमदन भी बढ़ाएं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कलिहारी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। किसान भाइयों, जैसे कि नाम है कलिहारी, इसे अग्निशिखा के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्रों, लगभग 1000 मीटर की हाइट से निचले वाले क्षेत्र हैं, जैसे कि हमारा सिरमौर का निचला क्षेत्र है, सोलन के निचला क्षेत्र, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी के निचले क्षेत्र, वहाँ पे इस पौधे की हम व्यावसायिक खेती कर सकते हैं। यह पौधा कंदों के द्वारा लगाया जाता है और इसका मेन मुख्य अंग जो है बीज है। तो बीज का उत्पादन कर किसान अपनी आजीविका बढ़ा सकता है। इस पौधे का मेन जो उपयोग है वो अंग्रेजी एवं आयुर्वेदिक दवाइयों में होता है। अंग्रेजी दवाइयों में इसमें से कोल्चिसिन नाम का तत्व निकाला जाता है और इसकी दवाई अंग्रेजी दवाई बनाई जाती है, एवं आयुर्वेदा में भी इसे बहुत सी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी दवाइयों में से गाउट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। इसी तरह से आयुर्वेदा में माना गया है जिन औरतों की डिलीवरी में प्रॉब्लम रहती है तो उनके लिए इसकी दवाई बनाई जाती है। कि इसकी व्यावसायिक खेती कैसे की जाए, आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत ही अत्यंत सुंदर फूल वाला पौधा है। इसके फूल बहुत ही सुंदर, जिसे कि कई जगह पे गार्डन में भी लगाया जाता है। इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान अपनी आजीविका को बहुत अधिक बढ़ा सकता है। जो महत्वपूर्ण भाग है इसका, बीज एवं कंद दोनों ही दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके पौधे जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये फसल हमारी तैयार है और इस फसल में अलग अलग किस्म के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी बिजाई जो है कंदों के द्वारा करते हैं। कंद का वजन लगभग आपका 40 से 50 ग्राम का कंद नीचे लगाते हैं। मई महीने के शुरू में इसे खेतों में लगाया जाता है और उसके लगाने का तरीका है कि आप खेत में एक एक मीटर की लंबी लगभग 30 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लें और उसके में दो लाइनों में इसके कंदों को चलाते हैं। जैसे ही हम मई महीने में इसको लगाते हैं और ये पौधा जून महीने में नीचे से अंकुरित होता है और जुलाई महीने के मध्य में इसमें फूल आने शुरू होते हैं। इस फसल में फूल जो है वो एक बार नहीं आते हैं, लगातार फूल जुलाई से शुरू होके सितंबर अक्टूबर तक फूल आते रहते हैं। जैसे शुरुआत वाला फूल होगा उसमें इस टाइप के फ्रूट बन चुके हैं और नए फूल भी आ रहे हैं। इसमें मेन जो कार्य है इसमें करने वाला वो है इसका बीज उत्पादन। तो बीज उत्पादन के लिए हम कौन सी तकनीक अपनाएं ताकि हमें अधिक से अधिक बीज प्राप्त हो सके। इसके लिए सबसे जो जरूरी है वो है पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो उसके लिए हम लोगों ने, हमारे विश्वविद्यालय ने एक तकनीक स्टैंडर्डाइज की है जिससे कि हम इसमें बीज का उत्पादन दुगने से भी ज़्यादा किया, दुगने और ढाई गुने के आसपास बीज का उत्पादन किया जा सकता है। परागण के लिए, पॉलिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है इसकी मेन अवस्था, किस अवस्था पे हम इसमें पॉलिनेशन करें। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे कि ये जैसे फूल है, इस फूल में निचले वाली पंखुड़ी जो हरे रंग की, बीच वाली पीले रंग की और ऊपर वाली लाल रंग की है। तो ये अवस्था जो है इसकी, ये बिल्कुल सही अवस्था है जिसमें कि हम इसमें पॉलिनेशन कर सकते हैं। जब नया नया फूल खिलता है, इस तरह से ये खिला है, अभी आप देखेंगे इसमें से अगर हाथ लगाएं यहाँ पे तो इसमें से इसके पोलन जो है, पीला जो पदार्थ निकलता है वो निकलने शुरू हो गया। इसका मतलब अब सही अवस्था है इसको पॉलिनेशन करने की। इसका जो स्टिग्मा है,
मेन समस्या क्या है कि ये स्टिग्मा वाला भाग है इसका, इसका स्टिग्मा फूल के खुलते ही रिसेप्टिव होता है, लेकिन जो पोलन है, पोलन फूल के खुलने के एक दिन बाद तैयार होता है। तो इसके लिए हमारे को सही अवस्था का चुनाव, इस अवस्था पे जहाँ निचले वाला भाग हरा, बीच में पीला और ऊपर वाला लाल, ये जो अवस्था है इस पे, ये सही अवस्था है इसमें पॉलिनेशन करने के लिए। तो पॉलिनेशन करने का सबसे जो सही समय है वो है सुबह के टाइम, सुबह 6 बजे से लेके आपका 9, 9:30 बजे तक जो है इसका सही समय है पॉलिनेशन का। अगर हम दिन के टाइम में पॉलिनेशन करेंगे तो इसमें सीड सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसलिए सुबह सुबह इसमें पॉलिनेशन करते हैं। पौधे में कोई भी फूल एक अवस्था में नहीं मिलेगा, एक फूल बड़ा होगा, दूसरा फूल खुलने के लिए तैयारी में होगा, तीसरा फूल अगले दिन खुलेगा। जिस तरह से आप देखेंगे ये फूल पहले खुल चुका है, ये अगले दिन कल खुलेगा, ये जैसे पिछले कल का खुला हुआ है। तो हमारे को ये जो क्रिया है पॉलिनेशन की, ये हमारे को रोज सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक दोहरानी पड़ेगी। अब एक तो है पॉलिनेशन हम हाथ से करें, दूसरा आजकल कमर्शियल कल्टीवेशन में इसमें है कि अगर हाथ से हम पॉलिनेशन करते हैं तो इसमें बहुत सारा हमारा टाइम वेस्ट होता है और लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो उसका एक तरीका है कि आप हाथ से मैनुअल पॉलिनेशन ना करके हम इसमें ब्लोअर से हवा देखते हैं पौधे। तो सुबह सुबह किसान पीठ के ऊपर ब्लोअर लेके इसमें तेज हवा लगाते हैं, हवा से क्या होगा कि ये पोलन जो आपके पूरे हवा में फैल जाएंगे और जाके स्टिग्मा के साथ टच हो जाते हैं। आप देख रहे होंगे कि इसमें मेन समस्या पॉलिनेशन की क्या है, ये इसका स्टिग्मा है, ये इसके पोलन वाला जो मेल पार्ट ये है और ये फीमेल पार्ट है। जब कीड़ा आता है, कोई भी इंसेक्ट आता है जो पॉलिनेशन के लिए, वो इस स्टिग्मा के ऊपर पहुंच टच नहीं हो पाता है, जिस वजह से इसमें प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं हो पाती। अगर हम आर्टिफिशियली मैनुअली पॉलिनेशन करें, जिस तरह से ये यहाँ से परागण लिया ब्रश के साथ और यहाँ पे लगा दिया, जैसे किसी भी फूल का लेंगे, यहाँ से लिया और इस स्टिग्मा के ऊपर लगा दिया, इस तरह से हमारा बीज का जो उत्पादन है लगभग आपका 2.5 से 3 गुना बढ़ जाता है। अब रही इसके बाद बात जाके इसका किस तरह से हम हार्वेस्टिंग करें। अब आप देखेंगे ये जो फ्रूट है इसमें लगा है, इस ये लगभग फ्रूट आपका 1 महीने का हो गया पॉलिनेशन के बाद। अब इस अवस्था ये लगभग आपका तैयार होने वाला है फूल, जिस तरह से ये बढ़ता चला गया, जब ये फ्रूट नीचे से खुलना शुरू हो जाएगा और इसका जो हरा रंग है ये थोड़ा सा पीलेपन में आना शुरू हो जाएगा और नीचे से खुलना शुरू होगा, इसका मतलब ये अवस्था आपकी सही अवस्था है इसको निकालने की। क्योंकि पूरी फसल में इकट्ठे फ्रूट कभी भी हार्वेस्ट नहीं होंगे, शुरू वाले आप देख रहे हैं कि ये तैयार होने की अवस्था में है, अब इधर को फ्लावरिंग भी आ रही है। तो ये क्रम हमारा पॉलिनेशन का और हार्वेस्टिंग का लगभग 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू चला रहता है। जब हमारे फ्रूट इस अवस्था में आ जाएंगे, यहाँ से नीचे से खुलने शुरू हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से तोड़ लेंगे इस जगह से, और इस जगह से तोड़ के इन सारे फ्रूट्स को हम छाया में सुखाने के लिए रख देंगे। जैसे ये वाला जो फ्रूट है ये तैयार है स्टम्प तोड़ने के लिए, आज ही ताज़ा ताज़ा तोड़ा गया हुआ, इसमें से निचले वाले भाग में यहाँ से रंग इसका पीला पड़ गया और यहाँ से खुलना शुरू हो गया हुआ। जिस तरह से ये दूसरे फ्रूट में देखेंगे, ये आपका फ्रूट खुलना शुरू हो गया। तो इस अवस्था से पहले पहले और ये स्टार्टिंग यहाँ पे इस अवस्था में जब आपके फ्रूट होंगे उस टाइम आप इसको टहनी से तोड़ लेंगे। अब आप इसमें देख रहे होंगे इसमें बीज, लाल रंग का बीज, ये बीज हमारा मेन इकोनॉमिक पार्ट है। इसके लिए इस अवस्था में हम लेके इन फ्रूट्स को सबको तोड़ेंगे और छाया में इसको सुखाने के लिए रख देंगे। आप देख रहे होंगे कि उसके बाद जब छाया में सुखाने शुरू करेंगे तो इस तरह से ये आपका फ्रूट जो है खुलना शुरू हो जाएगा और बीज भी आपके बाहर एक्सपोज हो जाएंगे सारे। तो इस अवस्था में हम इसके बीजों को अलग कर लेंगे और इसका जो बाहर वाला छिलका है, ये जिस तरह से ये छिलके हैं, इनको हम अलग कर लेंगे और इन बीजों को हम छाया में सुखाने के लिए रख देंगे। लगभग 10 से 15 दिन कम से कम लगते हैं इसको बीज को सूखने के लिए, और ये इस तरह के बीज आपके सूख के, इस तरह के बीज आपके आ जाएंगे सूख के बिल्कुल लाल रंग के,
ऑरेंज और लाल रंग के, तो यही हमारा मेन इकोनॉमिक जो मार्केट में बिकने के लिए प्रोडक्ट जाएगा। एक तो बीज आगे इसके, और दूसरा जो है ये छिलका जो है, ये छिलका भी इसका बिकता है। तो अगर आप पैदावार की इसकी बात करें, एक बीघा से अगर प्रॉपर पॉलिनेशन आपने की है तो एक बीघा से लगभग 25 से 30 किलो बीज का उत्पादन इसमें हो जाता है। अगर हम हेक्टेयर में बात करें तो 300 से लेकर 400 किलो तक प्रति हेक्टेयर हम बीज का उत्पादन कर सकते हैं। इस तरह से इस फसल से हम 6 महीने में 25 से 30 किलो बीज प्रति बीघा प्राप्त कर सकते हैं, और इसे सूखा हुआ बीज अब ये मार्केट में बेचने के लिए तैयार है। रही अब बाजार भाव की बात इसकी, अगर बाजार भाव की बात करें तो कलिहारी का जो बीज है आजकल जो मार्केट रेट चल रहा है लगभग 3000 रुपये प्रति किलो। आजकल जो इंडस्ट्री है अलग अलग तरह की जो कि इसमें से केमिकल बनाती है, एक्सट्रैक्ट बनाती है और बेचती है, मेन इसमें केमिकल है कोल्चिसिन। तो कोल्चिस कुछ एक कंपनी जो है इसमें से कोल्चिसिन निकाल के फिर इसकी अंग्रेजी दवाइयों में इस्तेमाल करती हैं। तो अगर एक बीघा से 25 से 30 किलो बीज हम पॉलिनेशन करके निकाल सकते हैं और 3000 के आसपास 3000 के आसपास इसका रेट रहता है। इस साल का रेट जो है 32-33 रुपए के जी भी गया है। तो इस तरह से अपनी आमदनी जो किसान भाई बढ़ा सकते हैं। तो ये एक निचले क्षेत्र जो है हमारा, वहाँ के लिए बहुत अच्छी फसल है और किसान की इनकम भी इससे बढ़ सकती है और इससे जंगली जानवर से भी छुटकारा मिल सकता है। किसान भाइयों, इस फसल कलिहारी की फसल के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमारे वन उत्पाद विभाग में जिसका नंबर है 252-254 उस पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, एवं मेरे मोबाइल पे भी आप इसकी जानकारी कर सकते हैं जो कि है 9418148114। इसके अलावा विस्तार शिक्षा निदेशालय का जो किसान हेल्पलाइन नंबर है 25-24-26 इसके ऊपर आप इसके फसल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।